Good morning students, I hope you all are well. Today we are going to start our second lesson of English, that is 5 peas in a pod. So let's get started. Turn the page. Page number 14. In a garden there was a pea plant. It had many pea pods. In one of the pea pod there were 5 peas. They were happy and lived peacefully. During the day they talk and at night they listen to the moon. एक garden में क्या था? एक pea plant था. उसमें बहुत सारे pea pods लगे हुए थे. उसमें से एक pea pod में क्या थे? 5 peas थे. Okay? They were happy and lived peacefully. वो बहुत ही खुशी से और पीसफुली रहा करते थे. During the day they talk. दिन के समय वो आपस में बात करते थे और night के समय क्या करते थे? Listen to the moon. Moon को सुनते थे. Okay? On a full moon day the moon played like a mighty drum. Boom boom boom. Full moon day में क्या करता था? Moon कैसे played करता था? माइटी ड्रम की तरह, जिसकी आवाज़ कैसी आती थी? बूम बूम बूम. ओके, द क्रीसेंट मून वुड स्ट्रिंग अ हार्प. और क्रीसेंट मून किसे बोलते हैं? जैसा कि ये शेप है, ओके, इसको क्रीसेंट मून कहते हैं. और फुल मून यानी कि पूरा चांद जब दिखता है. ओके, तो जो क्रीसेंट मून है वुड स्ट्रिंग अ हार्प. वो क्या करता था? स्ट्रिंग अ हार्प, हार्प बजाया करता था. ठीक है. द एल्डर पी लव द ड्रम. जो सबसे बड़ा पी था उसको क्या पसंद था? ड्रम का साउंड पसंद था. और जो सेकेंड पी था उसको हार्प का साउंड पसंद था. लेकिन जो थर्ड और फोर्थ पी थे उनको कोई भी साउंड पसंद नहीं आता था. ठीक है. एंड द फिफ्थ पी वॉज एंड इंट्रोवर्ट. जो फिफ्थ पी था वो कैसा था? इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी था. यानी कि उसे वो अपने में ही रहता था, है ना, उसको बाहरी वर्ल्ड से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था. एज दे ग्रू अप इट स्टार्टेड गेटिंग कंटेस्टेड इन द पॉड. जैसे ही वो बड़े होने लगे तो वो क्या होने लगे? पी पॉड में कंटेस्टेड होने लगे. एंड वन डे द पी पॉड बस्ट ओपन. They were thrown out with the thunder. They slipped out and landed on the ground. They loved the bright shiny world. फिर क्या हुआ? जब वो कंजेस्टेड होने लगे पी पॉड में तो एक दिन जो है पी पॉड क्या हो गया? बस्ट हो गया. यानी कि वो बस्ट होके फूट कर खुल गया और वो सब क्या हो गए? बाहर गिर गए. और स्लिप्ड होके कहाँ गिर गए? ग्राउंड में. और उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छा लगा शाइनी वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को देखकर बहुत ही अच्छा लगा. द अ नॉटी बॉय सॉ दैम एंड यूज दैम इन हिज स्लिंग शॉट. वन बाय वन दे ऑल फ्लू इन द एयर. अब नॉटी बॉय ने क्या किया? उनको देखकर अपने स्लिंग शॉट से क्या किया? शॉट लगाया और उनको एक के बाद एक क्या किया? हवा में फ्लू करा दिया, उड़ा दिया. आई एम फ्लाइंग इन टू अ बिग ब्राइट वर्ल्ड. यू विल नेवर बी एबल टू कैच मी, सेड द फर्स्ट पी. फर्स्ट पी ने क्या कहा? मैं तो उड़ के कहाँ जा रहा हूँ? बहुत ही बड़े ब्राइटी वर्ल्ड में जा रहा हूँ और तुम लोग मुझे क्या नहीं कर पाओगे? मुझे कैच नहीं कर पाओगे, कोई भी मुझे कैच नहीं कर सकता. नाउ पेज नंबर 15. I shall fly and touch the sun, said the second. Second वाले पी ने क्या बोला? कि मैं उड़ के क्या करूँगा? सन को टच करने जा रहा हूँ, है ना. So did the third and the fourth. और वैसा ही कुछ थर्ड और फोर्थ ने भी किया. द फिफ्थ पी वंडर्ड वॉट हिज डेस्टिनी वॉज. लेकिन जो फिफ्थ पी था यानी कि सबसे छोटा वाला, उसको क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा वंडर्ड हुआ कि मेरी डेस्टिनी यानी कि मेरे भाग्य में क्या है. वट एवर विल बी ही सैड. उसने क्या कहा? जो भी होगा होगा. ही शूट आउट ऑफ द शूटर एंड लैंडेड अंडर द विंडो ऑफ अ गैरेट. उसको फिर जो है शूटर ने क्या किया? शूट किया. और वो शूट होकर कहाँ चला गया? गिरकर जो है विंडो के पास, गैरेट के पास जो विंडो थी उसके पास लैंड हो गया. व्हाट इज गैरेट? गैरेट एक रूम को बोलते हैं जो कि छत पर बना हुआ हो. ओके, छोटा सा रूम. इसका सिनोनिम क्या है? एटिक भी बोल सकते हैं आप उसे. ओके, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही लैंडेड इन अ क्रैक विच वॉज वेट विथ मोस. भगवान की दया से क्या हुआ? वो कहाँ लैंडेड हो गया? इन अ क्रैक,
विंडो के पास एक क्रैक था, वहां पर वो लैंडेड हो गया, जो कि कैसा था, गीला था, विद द मोज, मोज यानी कि काई, काई लगी हुई थी उस क्रैक में और वो गीला था, वहां पर जाके वो पी गिर गया. ओके, ही ट्रस्टेड गॉड, उसे भगवान पे बहुत ही ज्यादा भरोसा था. ही थॉट अगेन, उसने फिर सोचा, वॉट एवर विल बी, जो हो भी होगा होगा, है ना. इन द गैरेट लिव्ड अ पुअर वुमेन हु वर्कड इन हाउस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. अब उस गैरेट में कौन रहता था, एक पुअर वुमेन रहती थी जो कि क्या करती थी, घरों में सुबह से लेकर रात तक काम किया करती थी. शी हैड अ लिटिल डॉटर हु वॉज वेरी सिक, उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो कि कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा सिक थी, यानी कि बीमार थी. द डॉटर वॉज श्योर ही वुड डाई, और डॉटर क्या सोचती थी, किस चीज़ के लिए श्योर थी वो, कि वो पक्का क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी ना, तो वो उसको यही लगता था कि वो जल्दी क्या हो जाएगी, मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. द मदर प्रेड डे एंड नाइट टू गॉड टू क्योर हर, और उसकी मदर दिन रात भगवान से प्रे किया करती थी कि आप उसे क्या कर दीजिए, क्योर यानी कि सही कर दीजिए, उसकी तबीयत को ठीक कर दीजिए. वन मॉर्निंग द गर्ल फिक्स्ड हर आई ऑन द क्रैक इन द विंडो पेन, और एक दिन सुबह क्या हुआ, गर्ल जो है बाहर जो है क्रैक पर, विंडो के बाहर जो क्रैक था उस पर देख रही थी. मदर आई कैन सी समथिंग ग्रीन नियर द विंडो, वॉट इज इट, शी आस्क्ड, उसने अपनी मम्मा से कहा, मदर मैं विंडो के पास कुछ ग्रीन सा मुझे कुछ दिख रहा है, ये क्या है. ओ इज नॉट इट्स वंडरफुल, अ पी प्लांट इज स्प्राउटिंग, इट हैज टेकन रूट हेयर, दे आर टाइनी लीव्स, न्यू लीव्स टू, इट इज़ गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल. उसने क्या बोला कि ये बहुत ही वंडरफुल नहीं है, ये ज़्यादा वंडरफुल नहीं है, एक छोटा सा पी प्लांट जो है स्प्राउट हुआ है, यानी कि उगा है ना. तो क्या हुआ, उसने क्या बोला, देयर इज़ अ टिनी न्यू लीव्स टू, टाइनी न्यू लीव्स टू, उसमें छोटी छोटी सी न्यू लीव्स, नई पत्तियाँ भी आई हैं, है ना. इट इज़ गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल, ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है ना. द मदर मूव्ड हर डॉटर्स बेड नियर दी विंडो, और उसकी मम्मा जो है उसको कहाँ ले गई, बेड के पास ले गई, विंडो से दूर करके उसके बेड के पास ले गई. द लिटिल गर्ल वॉच द लिटिल पी प्लांट ग्रो, और जो लिटिल गर्ल है वो देखने लगी पी प्लांट को ग्रो होते हुए, यानी कि बढ़ते हुए. दिस हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द लिटिल गर्ल, और इस चीज़ ने जो है लिटिल गर्ल को क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, यानी कि प्रभावित किया. शी सैट बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट एट द वर्ल्ड, वो हमेशा जो है क्या करती थी, विंडो के पास बैठ जाती थी और बाहर के वर्ल्ड को देखती थी. शी सैट टू हर मदर एट नाइट, और एक दिन उसने अपनी मम्मी से क्या कहा रात के समय, आई फील सो गुड, सी मा द वार्म सन मेड द पी प्लांट ग्रो a little and it will also make me well again. उसने अपनी मम्मा से एक दिन रात में कहा कि अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, और माँ ये देखिए कि वार्म सन जो है क्या कर रहा है, पी प्लांट को भी, छोटे से पी प्लांट को भी ग्रो कर रहा है, यानी कि बड़ा कर रहा है, और मुझे ये लगता है कि मैं भी जल्दी अच्छी हो जाऊँगी. द मदर प्रेड टू गॉड फॉर हर डॉटर्स हेल्थ, तो मदर क्या करने लगी, प्रे करने लगी गॉड से कि उसकी डॉटर की हेल्थ के लिए, है ना. एंड वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर फेथ इन हिम, और उसे अपने भगवान के पर क्या था, विश्वास था, है ना. एवरी मॉर्निंग शी वुड सी टू इट दैट द प्लांट वॉज ग्रोइंग बिकॉज इट हैड गिवन हर डॉटर प्लीजेंट थॉट एंड वॉज हेल्पिंग हर रिकवर, यानी कि मदर जो है डेली अब क्या करने लगी, पी प्लांट को देखने लगी, क्योंकि उसको क्या हुआ, उसी पी प्लांट ने उसकी डॉटर को क्या दिया था, एक प्लीजेंट थॉट दिया था. कौन सा प्लीजेंट थॉट दिया था, कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, है ना. एंड वॉज हेल्पिंग हर रिकवर, और वो उसको रिकवर करने में भी मदद कर रहा था, क्योंकि उसकी डॉटर क्या हुई थी, उसको देखकर, पी प्लांट को ग्रो होता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, और वो जल्दी ठीक भी हो रही थी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव थॉट आ गया था कि मैं भी अब जल्दी ठीक हो जाऊँगी. पहले डॉटर क्या सोच रही थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर बाद में पी प्लांट को ग्रो होता हुआ देखकर उसमें भी पॉजिटिविटी आ गई.
Both mother and daughter were very happy when they noticed a bird on the pea plant. दोनों ही मदर और डॉटर बहुत ही खुश हुई जब उन्होंने देखा कि पी प्लांट में क्या आ गई है, बर्ड आ गई है, यानी कि कली आ गई है. अ वीक लेटर द लिटिल गर्ल वॉज ऑल अप एंड हैप्पी. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. द वर्ल्ड वॉज सो सनी. देयर वॉज अ पिंक पी ब्लॉसम इन द फुल ब्लूम. और एक हफ्ते बाद क्या देखा उन्होंने कि वो देखकर दोनों बहुत ही खुश हुए क्योंकि पी प्लांट में क्या आ गया था, एक पिंक कलर का ब्लॉसम आ गया, यानी कि एक फूल आ गया था. ओके. द मदर विथ टीयर इन हर आईज थैंक गॉड एंड प्रे. ओ फादर इन हेवन, यू प्लांटेड द पी एंड नर्चर्ड इट टू ग्रो इन टू अ प्लांट टू गिव होप टू माई लिटिल गर्ल एंड टू शो हर हाउ टू फाइट द ऑड्स विथ करेज. यू हैव बीन सो काइंड टू मी. और मदर की आंखों में आंसू आ गए और वो भगवान का क्या करने लगी, थैंक करने लगी और उनकी प्रेयर करने लगी कि हे भगवान, आपने ही इस प्लांट को यहाँ पर, पी प्लांट को उगाया और उसको ग्रो करा रहे हैं, जिसने मेरी बेटी को क्या दिया, जीने की एक होप दी, आशा दी, है ना, टू शो हर हाउ टू फाइट, जिसने उसको ये सिखाया कि हम और मतलब और सिचुएशन में भी लड़कर कैसे जीत सकते हैं, है ना, उसको ये साहस दिया, उसके अंदर ये करेज डाला. यू हैव बीन सो काइंड टू मी. आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड हुए हैं. ओके. आपको ये स्टोरी कैसी लगी? देखिए इसके राइटर कौन है, हंस क्रिश्चियन एंडरसन. ओके. सो आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया कि कितनी भी ऑड सिचुएशंस क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आपको उसको करेज के साथ फाइट करना चाहिए, हर जगह से पॉजिटिविटी लेनी चाहिए, है ना, और हमें हमेशा गॉड पर फेथ रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए. ओके. थैंक यू.